Hello and welcome to my YouTube channel UGC NET PUBLIC ADMINISTRATION. This is lecture number 20. Lecture number 19 में हमने discuss किया था principles of organization में leadership के बारे में कि leadership क्या है और कितनी तरह के इसके types हैं. ठीक है, तो आज की lecture में हम discuss करेंगे next principles of organization, that is decision making. अब किसी भी organization में हमने कोई target achieve करना है या फिर कोई भी goal हमने set किया होगा उसको achieve करने के लिए decision making बहुत important role play करता है. अगर हमारी डिसीजन मेकिंग राइट टाइम पे राइट डिसीजन मेकिंग होगी तो डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस इन अवर टारगेट अचीविंग. ठीक है, बेसिकली इट वाज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन एंड ही गॉट नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन्होंने 1947 में लिखी थी, तो इसमें इनको नोबल प्राइज मिला था. ये आपने याद रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है, इट मीन्स मेकिंग चॉइस आउट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स. अब डिसीजन मेकिंग होता क्या है, इट इज़ बेसिकली द मेकिंग चॉइस, यानी कि आपके पास कोई ऑप्शंस होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे बहुत सारे, उन अल्टरनेटिव्स में से आपने बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चूज करना है. ठीक है, दैट इज डिसीजन मेकिंग बेसिकली. आपने इतना सा मतलब इसका याद रखना है. उसके बाद साइमन ने कुछ स्टेजेस दी थी डिसीजन मेकिंग में, कौन कौन सी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी. अब ये क्या क्या होता है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दैट इज इंटेलिजेंस एक्टिविटी, कि कौन सी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है. डिजाइन एक्टिविटी का मतलब हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन. इट मीन्स दैट कि अब प्रॉब्लम तो हमने कर ली आइडेंटिफाई, ठीक है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो है पॉसिबल कोर्सेज हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास. ठीक है, तो दैट इज डिजाइन एक्टिविटी. उसके बाद आता है चॉइस एक्टिविटी, चॉइस ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन. इट मीन्स दैट कि जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स है उनमें से बेस्ट जो हमारे पास चॉइस है, बेस्ट जो ऑप्शन है उसको चूज करना है. ठीक है, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. सो दीज वर सम स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग गिवन बाय हर्बर्ट साइमन. मूविंग अहेड, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी दिया था साइमन ने. इसमें क्या कहा है इन्होंने, साइमन एडवोकेटेड द लिमिटेड रैशनैलिटी एज ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी फुली रैशनल. इट मीन्स दैट कि इन्होंने लिमिटेड रैशनैलिटी को इसलिए प्रेफरेंस दी क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है फुली रैशनल नहीं हो सकते, हम पूरा लॉजिक पे नहीं चल सकते जहाँ पर एज फार एज ह्यूमन बींग इज कंसर्नड, क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है दैट इज अनप्रडिक्टेबल. ठीक है, इसको हम किसी एक लॉजिक के थ्रू जस्टिफाई नहीं कर सकते या डिफाइन नहीं कर सकते. अलग अलग सिचुएशन में ह्यूमन बींग्स अलग अलग बिहेव करते हैं. दैट्स वाई साइमन ने कहा कि भाई जब भी ह्यूमन बीइंग की बात आती है, ह्यूमन बिहेवियर की बात आती है, वहाँ पे हम फुली लॉजिकल या फुली रैशनल नहीं हो सकते, देर आर सम ह्यूमन एस्पेक्ट्स आल्सो. ही गेव द कंसेप्ट ऑफ सेटिस्फाइसिंग डिसीजन विच मीन्स सेटिस्फाइंग प्लस सफाइसिंग. अब ये देखो यहाँ पे कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना है कि जो आपके हर्बर्ट साइमन थे इन्होंने सेटिस्फाइसिंग डिसीजन का मतलब कंसेप्ट दिया. सेटिस्फाइसिंग का मतलब हुआ सेटिस्फाइंग प्लस सफाइसिंग. सफाइसिंग का मतलब होता है एडिक्वेट, सेटिस्फाई भी करना है और सफाइस यानी कि एडुकेट भी होना चाहिए, मतलब कमी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी डिसीजन में. ठीक है, सेटिस्फाइड भी होने चाहिए और साथ ही साथ जो है ऐसे डिसीजन होने चाहिए जो कि काफ़ी हो किसी भी काम को करने के लिए. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजन में आते हैं. टाइप्स ऑफ डिसीजन में फर्स्ट आता है जो साइमन ने दिए थे, प्रोग्राम्ड डिसीजन. प्रोग्राम्ड डिसीजन मतलब स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स एट्सेट्रा. इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड इनके स्टैंडर्ड्स होंगे जो प्री डिफाइंड होंगे और साथ ही साथ प्रोसीजर्स भी इनके प्री डिफाइंड होंगे और वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे. दैट इज़ प्रोग्राम्ड, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड यानी कि एक फॉर्मल डिसीजन होगा. ठीक है, उसके बाद नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इन नेचर, अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड ग्रेट जजमेंट. ये क्या होंगे, सिचुएशनल होंगे एक तरह से. ठीक है, जिस तरह से सिचुएशन डिमांड करेगी उस तरह के डिसीजंस होंगे. इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी और ग्रेट जजमेंट. जो भी इंचार्ज होगा किसी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी का, उसके उनमें क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, जजमेंट उनकी बहुत साउंड होनी चाहिए ताकि डिसीजन वो सही ले सकें. उसके बाद पार्टिसिपेटरी डिसीजन आता है, इन्वॉल्विंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग. पार्टिसिपेटरी का आपको पता ही है कि भी एक डेमोक्रेटिक कल्चर के तहत डिसीजन लिया जाएगा और जिसमें पीपल पार्टिसिपेशन होगी, लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, उसके बाद कुछ बुक्स दी हैं साइमन ने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कई बार मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी थी और क्या पता डेट के हिसाब से मैचिंग आ जाए. ठीक है, सो कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना है आपने. एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पहली बुक जिनमें इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था. ठीक है, 1947 में आई थी ये
उसके बाद फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन ये 1953 में आई थी, ठीक है। ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग 1972, मॉडल्स ऑफ बाउंड्री रैशनैलिटी 1982, रीजन इन ह्यूमन अफेयर्स 1991 में। दीज वर सम इंपॉर्टेंट बुक्स गिवन बाय साइमन, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इनको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और साथ ही साथ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ताकि आपको जो है पूरा सिलेबस कवर हो सके, और साथ ही साथ आपकी जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब से जो है मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।